भारी बारिश का अलर्ट। अगले कुछ घंटों में इन राज्यों में तेज गरज चमक आंधी वज्रपात के साथ होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ हवाएं भारत की ओर, एमपी में उत्तर से पश्चिम दिशा तक मानसून का गहराया असर। पश्चिमी विक्षोभ हवाएं अब भारत की ओर, एमपी में उत्तर से पश्चिम दिशा तक मानसून का गहराया साया। दिनेश सोलंकी की खास रिपोर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के बादल अब पश्चिमी हवाओं के संग भारत में पश्चिमी राज्यों की ओर अग्रसर है। आज पश्चिमी हवाओं का असर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होगा, जबकि हवाओं का बहाव पंजाब से होते हुए हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में रहेगा। उत्तर पूर्व की हवाओं का प्रभाव उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी राज्य से लेकर झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र सहित दक्षिण राज्यों की तरफ चलेगा। मध्य प्रदेश में आज उत्तर से लेकर पश्चिमी भाग तक मानसूनी बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं बारिश की संभावना रहेगी, कहीं तेज बारिश होगी तो कहीं सामान्य और कहीं केवल बादल छाए हुए नजर आएंगे। रांची, झारखंड के कई जिलों के लिए तात्कालिक अलर्ट जारी किया गया है। इसके अनुसार अगले 1 से 3 घंटे में इन जिलों के कई इलाकों में वज्रपात होने के साथ आंधी चलने की आशंका है, कई जगह बारिश हो सकती है। रांची मौसम केंद्र ने ये जानकारी दी है। अलर्ट को देखते हुए सतर्क और सावधान रहें, सुरक्षित स्थान में शरण लें, पेड़ के नीचे खड़ा नहीं रहें, बिजली के पोल से दूर रहें, किसान अपने खेत में नहीं जाएं, मौसम सामान्य होने का इंतजार करें, बिजली के उपकरणों का उपयोग नहीं करें। मौसम केंद्र के मुताबिक इसका प्रभाव चतरा, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, गंगा, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, साहिबगंज, देवघर, जामताड़ा जिले के आगे देखने को मिलेगा। जिलों में वज्रपात का अलर्ट, बारिश की संभव। जिलों में वज्रपात का अलर्ट, बारिश की संभव। रांची, झारखंड के कई जिलों के लिए तात्कालिक अलर्ट जारी किया गया है। इसके अनुसार अगले 1 से 3 घंटे में इन जिलों के कई इलाकों में वज्रपात होने के साथ आंधी चलने की आशंका है, कई जगह बारिश हो सकती है। रांची मौसम केंद्र ने ये जानकारी दी है। अलर्ट को देखते हुए सतर्क और सावधान रहें, सुरक्षित स्थान में शरण लें, पेड़ के नीचे खड़ा नहीं रहें, बिजली के पोल से दूर रहें, किसान अपने खेत में नहीं जाएं, मौसम सामान्य होने का इंतजार करें, बिजली के उपकरणों का उपयोग नहीं करें। मौसम केंद्र के मुताबिक इसका प्रभाव दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, कोडरमा, लोहरदगा, रामगढ़, सरायकेला खरसावा, पश्चिम सिंहभूम, चतरा, देवघर, हजारीबाग, पलामू जिले के कुछ भागों में देखने को मिलेगा। जय झारखंड में अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम, पर ले आएंगी का नया अपडेट। झारखंड में मानसून सक्रिय हो चुका है। अब तक सामान्य से 50% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे कम बारिश पाकुड़ में दर्ज की गई। सिमडेगा की बात करें तो यहां प्रदेश में सबसे अच्छी बारिश हुई। इसी बीच मौसम विभाग का अपडेट आया है। रांची में अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य भर में मानसून सक्रिय हो चुका है। झारखंड में सामान्य से 50% कम वर्षा अब तक रिकॉर्ड की गई है। सबसे कम वर्षा पाकुड़ में हुई है। शुक्रवार तक पाकुड़ में सामान्य से 78% कम वर्षा रिकॉर्ड की हुई है, जबकि सबसे अच्छी वर्षा सिमडेगा में रिकॉर्ड की गई है। सिमडेगा में सामान्य से मात्र 15% कम वर्षा हुई है। राजधानी में अगले 5 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है। दिन भर बादल छाए रहेंगे। वर्षा के कारण न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट आ सकती है। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी में दोपहर के बाद अच्छी वर्षा की संभावना है। शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। शुक्रवार को सबसे अधिक तापमान जमशेदपुर का रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 5 दिनों तक अधिकतम तापमान बदलाव नहीं। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी में अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। लोगों को दिन भर हल्की उमस हो सकती है। शाम होते ही बारिश होने की संभावना है। साथ ही रात में हल्की ठंड महसूस होगी। जुलाई में अच्छी वर्षा की संभावना। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि जुलाई के मौसम में इस साल अच्छी वर्षा होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि किसानों को रोपनी की शुरुआत कर देनी चाहिए। इस साल अच्छी फसल की संभावना है। चक्रवाती तूफान बेरिल इतना खतरनाक क्यों है? 4 घंटे पहले तूफान बेरिल जमैका में टकरा चुका है।
यहां बीती रात 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही। पूरे कैरेबियाई इलाके में मरने वालों की संख्या 10 हो गई है, लेकिन आशंका है कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। जमैका में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम जारी है। दूसरी ओर मैक्सिको के कैंकुन में आए पर्यटक वहां से तुरंत निकलने की कोशिश में हैं। आने वाले समय में चक्रवाती तूफान यहीं से होकर गुजरने वाला है। कैटेगरी 4 का यह तूफान क्यों इतना खतरनाक है, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता वेव ब्रांड। बीबीसी हिंदी के एंड्रॉयड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो भी कर सकते हैं। भारी बारिश का अलर्ट, अगले कुछ घंटों में इन राज्यों में तेज गरज चमक आंधी वज्रपात के साथ होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ हवाएं अब भारत की ओर, एमपी में उत्तर से पश्चिम दिशा तक मानसून का गहराया साया। पश्चिमी विक्षोभ हवाएं अब भारत की ओर, एमपी में उत्तर से पश्चिम दिशा तक मानसून का गहराया साया। दिनेश सोलंकी की खास रिपोर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के बादल और पश्चिमी हवाओं के संग भारत में पश्चिमी राज्यों की ओर अग्रसर है। आज पश्चिमी हवाओं का असर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होगा, जबकि हवाओं का बहाव पंजाब से होते हुए हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में रहेगा। उत्तर पूर्व की हवाओं का प्रभाव उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी राज्यों से लेकर झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र सहित दक्षिण राज्यों की तरफ चलेगा। मध्य प्रदेश में आज उत्तर से लेकर पश्चिमी भाग तक मानसूनी बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं बारिश की संभावना रहेगी, कहीं तेज बारिश होगी तो कहीं सामान्य और कहीं केवल बादल छाए हुए नजर आएंगे। भारी बारिश का अलर्ट, अगले कुछ घंटों में इन राज्यों में तेज गरज चमक आंधी वज्रपात के साथ होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ हवाएं अब भारत की ओर, एमपी में उत्तर से पश्चिम दिशा तक मानसून का गहराया साया। पश्चिमी विक्षोभ हवाएं अब भारत की ओर, एमपी में उत्तर से पश्चिम दिशा तक मानसून का गहराया साया। दिनेश सोलंकी की खास रिपोर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के बादल अब पश्चिमी हवाओं के संग भारत में पश्चिमी राज्यों की ओर अग्रसर है। आज पश्चिमी हवाओं का असर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होगा, जबकि हवाओं का बहाव पंजाब से होते हुए हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में रहेगा। हवाओं का प्रभाव उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी राज्यों से लेकर झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र सहित दक्षिण राज्यों की तरफ चलेगा। मध्य प्रदेश में आज उत्तर से लेकर पश्चिमी भाग तक मानसूनी बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं बारिश की संभावना रहेगी, कहीं तेज बारिश होगी तो कहीं सामान्य और कहीं केवल बादल छाए हुए नजर आएंगे। भारी बारिश का अलर्ट, अगले कुछ घंटों में इन राज्यों में तेज गरज चमक आंधी वज्रपात के साथ होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ हवाएं अब भारत की ओर, एमपी में उत्तर से पश्चिम दिशा तक मानसून का गहराया साया। पश्चिमी विक्षोभ हवाएं अब भारत की ओर, एमपी में उत्तर से पश्चिम दिशा तक मानसून का गहराया साया। दिनेश सोलंकी की खास रिपोर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के बादल अब पश्चिमी हवाओं के संग भारत में पश्चिमी राज्यों की ओर अग्रसर है। आज पश्चिमी हवाओं का असर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होगा, जबकि हवाओं का बहाव पंजाब से होते हुए हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में रहेगा। उत्तर पूर्व की हवाओं का प्रभाव उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी राज्यों से लेकर झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र सहित दक्षिण राज्यों की तरफ चलेगा। मध्य प्रदेश में आज उत्तर से लेकर पश्चिमी भाग तक मानसूनी बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं बारिश की संभावना रहेगी, कहीं तेज बारिश होगी तो कहीं सामान्य और कहीं केवल बादल छाए हुए नजर आएंगे। कुछ घंटों में इन जिलों में वज्रपात का अलर्ट, बारिश भी संभव। कुछ घंटों में इन जिलों में वज्रपात का अलर्ट, बारिश भी संभव। रांची, झारखंड के कई जिलों के लिए तात्कालिक अलर्ट जारी किया गया है। इसके अनुसार अगले 1 से 3 घंटे में इन जिलों के कई इलाकों में वज्रपात होने के साथ आंधी चलने की आशंका है, कई जगह बारिश हो सकती है। रांची मौसम केंद्र ने ये जानकारी दी है। अलर्ट को देखते हुए सतर्क और सावधान रहें, सुरक्षित स्थान में शरण लें, पेड़ के नीचे खड़ा नहीं रहें, बिजली के पोल से दूर रहें, किसान अपने खेत में नहीं जाएं, मौसम सामान्य होने का इंतजार करें, बिजली के उपकरणों का उपयोग नहीं करें। मौसम केंद्र के मुताबिक इसका प्रभाव दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा